विदेशियों से भारी मंदी के चलते तेल तिलहन बाजार में देशों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन तथा बिनोला, कच्चा पाम तेल और पामोलिन तेल की कीमतों में फिलहाल गिरावट बनी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं को अभी इस गिरावट का लाभ मिलना बाकी है। मिली जानकारी के मुताबिक मलेशिया एक्सचेंज में भी 3.5% की गिरावट रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज 3.5% कमजोर बंद हुआ। फिलहाल इसमें लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो सरकार को जल्द से जल्द खाद्य तेलों की कोटा प्रणाली को समाप्त करना चाहिए और सस्ते आयाती तेलों की मार से देश के किसानों, तेल मिलों और उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए सूरजमुखी, सोयाबीन जैसे बेहद सस्ते आयाती तेल पर आयात शुल्क अधिक से अधिक लगाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी सूरजमुखी बुआई का समय है। अगर बाजार में सस्ते आयाती तेलों की भरमार रही तो किसान तिलहन की बुआई नहीं करेंगे। ऐसे में उनका कहना है कि पहले भी अनुभव किया गया है कि जब विदेशी तेल महंगे हुए हैं तो देशी तेल तिलहनों की वजह से स्थिति संभली थी, इसीलिए तेल तिलहन मामले में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। इससे न केवल खाद्य तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा में बचत होगी, बल्कि किसान तिलहन खेती के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। साथ ही तेल मिलों के चलने से रोजगार बढ़ेंगे और विदेशों पर निर्भरता घटने के साथ साथ मुद्रा स्फीति भी कम होगी। दरअसल पाम तेल से कोई डी ऑयल केक यानी DOC और खल प्राप्त नहीं होता, जिसकी पूरी दुनिया में मांग है। हमारे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, बिनोला जैसे अधिकतर देशी तेल तिलहन से पर्याप्त मात्रा में DOC और खल की प्राप्ति होती है और किसान सोयाबीन की खेती भी इस कारण करते हैं कि इससे DOC के निर्यात से उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। सोयाबीन फसल से किसानों को तेल के अलावा लगभग 82% DOC की प्राप्ति होती है, इसीलिए आयात पर निर्भरता कम करना और देशी तेल तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोटा व्यवस्था को समाप्त करना फिलहाल अहम लग रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि पशु चारे और DOC की कमी का असर दूध, अंडा, चिकन, मक्खन आदि जैसी दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ रही है और ये वस्तुएं लगातार महंगी हो रही हैं। इनकी महंगाई को रोकने के लिए भी देशी तेल तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। जानकारों ने कहा है कि देश में सूरजमुखी के उत्पादन और पेराई के बाद तेल निकालने में लगभग 6800 रुपये क्विंटल का भाव बैठता है और इस प्रकार इसके तेल का थोक भाव 160 रुपये किलो बैठता है, जबकि आयातित सूरजमुखी तेल का भाव घटकर $1320 प्रति टन और सोयाबीन तेल का भाव घटकर लगभग $1300 प्रति टन पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।